सिवान जिले के मैरा में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोरी की घटना बढ़ने से लोगों में काफी भय बना हुआ है। इसी कड़ी में मैरावा थाना क्षेत्र के विजयपुर में एक ही मकान में दो बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना 23 मार्च को तो दूसरी घटना 27 मार्च की रात की है। दो दिनों में हुई भीषण चोरी की घटना के बाद परिजनों में दहशत बना हुआ है। इस मामले में रजनीश कुमार राम ने पुलिस को सूचना दिया है। इसके पूर्व में हुई चोरी का आवेदन थाना में भी दिया है। उसने बताया कि 23 मार्च को हुई भीषण चोरी में बहन की शादी के लिए हजारों के सामान खरीद कर रखा गया था, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया है। वही 27 मार्च की रात छठ पर्व को लेकर अपने गांव गए थे, जो देर रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए दरवाजा पलंग सहित अन्य सामान तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाया है। तो आप सभी को हम एक बार फिर से बताते चले कि मैरवा में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज दिन चोरी की घटना बढ़ने से लोगों में काफी भय बना हुआ है। इसी कड़ी में मैरवा थाना क्षेत्र के विजयपुर में एक ही मकान में दो बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना 23 मार्च को तो दूसरी घटना 27 मार्च की रात की है। दो दिनों में हुई भीषण चोरी की घटना के बाद परिजनों में दहशत बना हुआ है। इस मामले में रजनीश कुमार राम ने पुलिस को सूचना दिया है। इसके पूर्व में हुई चोरी का आवेदन थाना में भी दिया है। उसने बताया कि 23 मार्च को हुई भीषण चोरी में बहन की शादी के लिए हजारों के सामान खरीद कर रखा गया था, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया है। वही 27 मार्च की रात छठ पर्व को लेकर अपने गांव गए थे, जो देर रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए दरवाजा पलंग सहित अन्य सामान तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उसने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाया है। आपके मकान में यहाँ पर जो चोरी की घटना घटी है, आपके मकान में दो बार चोरी हो गया, अज्ञात चोरों के द्वारा कर लिया गया है, कैसे ये चोरी बार बार हो जा रही है, कुछ पता चल पाया चोरों का? चोरों का तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। थाना पे हम बार बार जा रहे हैं, दो तीन बार गए हैं, अभी तक कुछ सूचना नहीं मिल रहा है थाना से भी। और पिछले परसों रात में जो हुआ है, उसके एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे थे, और पिछला जो चोरी हुआ 23 तारीख को, उसके बाद यहाँ रह रहे थे, उस बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन छठ पूजा की वजह से हम घर चले गए और उसी रात को फिर दोबारा हुआ। दोबारा पूरा घर तहस नहस किया गया है, दरवाजा तोड़ दिया गया है मार के। लगभग आपके मकान में दो बार चोरी हुई है, लगभग कितने का आपको नुकसान है? दोनों दिन का मिल के 70-80 हजार का नुकसान। क्या क्या सामान गायब हुआ है दोनों दिन मिला के? दोनों दिन मिला 23 तारीख को पहले बताइए क्या गायब हुआ था आपका सामान? 23 तारीख में 4 सीलिंग फैन, गैस चूल्हा, पूरा बर्तन, पूरा किचन का बर्तन सेट, मोटर, पानी का मोटर, चापाकल, उसके बाद से ट्रंक में रखा हुआ नया नया कंबल सब, वो भी बहन के लिए बनवाए थे, रजाई, वो सब ले गया है। अगर रात में भी चोरी हुआ है 27 तारीख को। वॉशिंग मशीन के लिए आया, टीवी पहले दिन ही LCD टीवी ले गया है उठा के, सरसों की बोरी ले गया है दो, गेहूं की एक बोरी, और पहले दिन वॉशिंग मशीन छूट गया था, दूसरे दिन वॉशिंग मशीन के लिए लोग आया है। टोटल 70-80 हजार का आपका नुकसान है सर। आपका केस दर्ज हो गया थाना में? थाना में अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, क्या मांग करिएगा मैरवा थाना प्रभारी से? मैरवा थाना प्रभारी से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई की जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रजनीश कुमार राम, विजयपुर मोड़ से। आप ही का मकान है? मेरा मकान है।